अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर हमारे पास फर्स्ट दैट इज़ द सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। टुडे वी विल डिस्कस टू मोर ऑर्गेनेल्स दैट आर द गॉल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम। फर्स्ट वन इज़ द गॉल्जी अपरेटस। गॉल्जी अपरेटस इन ए वॉज डिस्कवर्ड बाई इटेलियन बायोलॉजिस्ट दैट वॉज मेलियो गॉल्जी in 1898 and he got Nobel Prize on this discovery. It is found in all eukaryotic cell. Next हमारे पास आ जाता है structure. Its structure was also revealed or observed under electron microscope. Golgi apparatus consists of stack of flattened membranous bound sac called cisterna. Under electron microscope इसको observe किया गया था जिसमें उसके different apparatus थे that was stacks of flattened membrane bound sac. इनको उन्होंने cisterna का नाम दिया था और ये जो cisterna थे हमारे पास ये connected थे with vesicles. उनको उन्होंने Golgi vesicle का नाम दिया था. These cisterna along with vesicles are called Golgi complex. This complex consists of interconnected tubules around central sac stack. और ये हमारे पास intertubules का नाम दिया गया था. हमारे पास ये जो complex थे इनमें intertubules थी. cisterna stacks are formed by the fusion of vesicles. By the vesicles are formed by the bubbling of SER. ठीक है, हमारे पास आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है बबल्स से बने हुए. इन बबल्स को उन्होंने वेजिकल्स का नाम दिया और ये जो बबल्स हैं ये हमारे पास बने थे या ये जो वेजिकल्स हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की वजह से बने थे और ये हमारे पास फिजन होती है और क्या बना देते हैं सिस्टर्ना स्टैक बना देते हैं वेजिकल्स. अब इस डायग्राम में आपको टू फेजेस नज़र आ रहे हैं दैट आर द सिस फेस एंड द ट्रांस फेस. सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं बिकॉज दे आर द आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्ना स्टैक इज द फॉर्मिंग और सिस फेस. इसके हमारा क्या होता है कि जो बल्ब्स होते हैं फ्रॉम टिप्स ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज होते हैं गॉल्जी अपरेटस के साथ सिस्टर्ना के साथ एट फॉर्मिंग फेस. उसमें क्या होता है कि हमारे पास सिस्टर्ना की जो फॉर्मिंग फेस होती है उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे पास मेच्योरिंग फेस है आर द ट्रांस फेस, इसको भी कहते हैं. द इनर कनकेव सरफेस इज द मेच्योरिंग आर ट्रांस फेस है. वेजिकल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेच्योरिंग फेस और जो वेजिकल्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं मेच्योरिंग फेस से. सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स और इनमें जो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स का नाम भी दिया जाता है और ये ग्रैन्यूल्स होते हैं ये पंच्ड ऑफ होते हैं एट द मेच्योरिंग फेस और ये यहाँ से फिर मेच्योरिंग फेस की तरफ मूव कर जाते हैं ऑफ गॉल्जी अपरेटस दैट इज सिस्टर ना ब्रेक अप इनटू द वेजिकल्स अगेन और ये जो हमारे पास सिस्टर्ना होते हैं यानी कि ये ब्रेक हो जाते हैं अगेन इनटू द वेजिकल्स. द होल स्टैक कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिस्टर्ना और ये हमारे पास जो होल स्टैक होता है ये नंबर ऑफ सिस्टर्ना पे मुश्तमिल होता है विच मूव फ्रॉम द आउटर टू द इनर फेस और ये क्या करता है मूव करता है आउटर से इनर सरफेस की तरफ. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन. केमिकल नेचर और जो हमारे पास है केमिकल नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ गॉल्जी कम्प्लेक्स सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट्स मीन दैट जो गॉल्जी कम्प्लेक्स होता है ये फिल्ड हुआ होता है विद प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड द स्पेसिफिक एंजाइम. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ द गॉल्जी कम्प्लेक्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपरेटस इज प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन यानी मोस्टली प्रोटीन्स होती हैं उनकी सिक्रीशन होती है. सो दे आर अबंडेंट इन सिक्रीटरी आर ग्रैंडुलर सेल्स. फॉर एग्जाम्पल इन मैमल गॉल्जी अपरेटस प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स. ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं विच आर सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज और ये पैंक्रियाज से सिक्रीट हुए होते हैं कंटेन एंजाइम्स और ये हमारे पास ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इनको जाइमोजिन का नाम दिया जाता है जिनमें एंजाइम्स होते हैं और ऐसे एंजाइम्स होते हैं दैट हेल्प इन द डाइजेशन यानी कि पैंक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट होता है उसकी सिक्रीशन के बाद उसकी डाइजेशन में ये हेल्पफुल होते हैं. इट रिसीव प्रोटीन्स. अब ये जो हमारे पास होते हैं गॉल्जी अपरेटस ये प्रोटीन रिसीव करता है फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं
प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, आफ्टर सिंथेसिस मूव करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहाँ से ये इनटू द गॉल्जी वेसिकल्स आ जाते हैं वेयर दिस प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड, जहाँ से ये प्रोटीन मॉडिफाई होती हैं एंड ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं इनटू द डिफरेंट सेल्स, और अगर जो एक्स्ट्रा हो तो उसको सेल से आउट भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इट कन्वर्ट प्रोटीन एंड लिपिड टू ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, यानी कि ये हमारे पास कन्वर्ट करते हैं, इसका एक मेन फंक्शन भी होता है लिपिड एंड प्रोटीन को ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन में भी कन्वर्ट करते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की एडिशन से। लाइपोप्रोटीन जो है हमारे पास इसमें वो भी बनते हैं। गॉल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन और एंजाइम्स एंड सेल सेक्रीशन, उसके अलावा प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे होते हैं और एंजाइम्स जो होते हैं उनकी और साथ में सेल सेक्रीशन में भी हेल्प करते हैं आउट ऑफ द सेल, और सेल की सेक्रीशन करते हैं आउट ऑफ द सेल वाई द ट्यूब्यूल्स, इसमें ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब्स के जरिए से ये आउट ऑफ द सेल सेक्रीशन करते हैं सेल्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन प्लांट्स, गॉल्जी ऑपरेटर्स जो होते हैं ये सर्टेन वेसिकल्स उनके जो होते हैं ये क्या करते हैं हमारे पास इनमें मेन कंपोनेंट होते हैं सेल वॉल का। क्यों ये मेन कंपोनेंट होता है? सच वेसिकल्स आर कॉल्ड फ्रैगमोप्लास्ट, ये जो वेसिकल्स होते हैं जो कि मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, इसको फ्रैगमोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। ये जो फ्रैगमोप्लास्ट होते हैं साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल डिवीजन में ये इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर ये उसकी सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं, और सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद क्या होता है न्यू सेल बना देते हैं। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायग्राम है, डायग्राम में रिलेशनशिप शो किया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विद गॉल्जी ऑपरेटस लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में आते हैं, यहाँ पे इसकी पैकिंग होती है और पैकिंग के बाद ये होते हैं हमारे पास मूव करते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्रांसपोर्ट वैक्यूल के ज़रिए से इनटू द गॉल्जी कम्प्लेक्स या गॉल्जी ऑपरेटस, और यहाँ पे ये आते हैं और यहाँ से ये मूव करते हैं जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है, डाइजेशन होती है इनकी, और डाइजेशन के बाद ये हमारी बॉडी से सेक्रेटरी वेसल्स के ज़रिए से वेसिकल्स के ज़रिए से रिमूव आउट हो जाते हैं या एक्सपेल्ड हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि गॉल्जी ऑपरेटस जो है इसके टू एंड होते हैं, फॉर्मिंग फेस है एंड एक मैच्योरिंग फेस है। बल्ब्स होते हैं हमारे पास फ्रॉम टिप ऑफ द एससीआर, ये आपको नज़र आ रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिप से एक बल्ब जो है अपीयर हुआ है, और क्या होता है हमारे पास ये जो है सिस्टर्ना की तरफ जाता है, फॉर्मिंग सिस्टर्ना की फॉर्मिंग फेस की तरफ जाता है वेयर सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, यहाँ पे जो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं ये पंच्ड ऑफ करते हैं एट द मैच्योरिंग फेस, उसको मैच्योरिंग फेस की तरफ। उसके बाद होता है जो एरोज हैं इनकी डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं कि किस तरह ये फ्लो कर रही हैं प्रोटीन्स, द फ्लो ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स। उसके बाद ये जो प्रोटीन्स होते हैं कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू द ग्लाइकोप्रोटीन इन द गॉल्जी ऑपरेटस, और ये गॉल्जी ऑपरेटस में ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं और फिर हमारी बॉडी से जो जहाँ पे ज़रूरत होते हैं सेल में वहाँ पे ये यूज़ होते हैं, और जो एक्स्ट्रा होते हैं हमारे पास प्रोटीन वो सेल की जो बॉडी होती है उससे एक्सपेल्ड आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय डिडेव इन 1949। लाइसोसोम हमारे पास ग्रीक वर्ड है, लाइजो मीन स्प्लिटिंग एंड जोमा मीन बॉडीज, दीज आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज एंड आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलीज, और ये डिफरेंट होते हैं अदर ऑर्गेनेलीज से। दे आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ज़्यादातर ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। हाउएवर दे आर मोर अबंडेंट इन दोज एनिमल सेल दैट एग्जिबिट ग्लाइकोसिटिक एक्टिविटीज़, और ये उन एनिमल सेल्स में भी होते हैं जहाँ पे फेगोसिटिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। अब हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम स्ट्रक्चर जो हमारे पास सिंगल लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है एंड आर इन द फॉर्म ऑफ रफली स्फेरिकल सिंपल सैक,
यानी वेसिकल्स की फॉर्म में मौजूद होता है, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, रफली स्फेरिकल है। इसका साइज़ जो होता है ये वेरी करता है 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इन प्लांट्स है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होता है ये लाइजोसोम के तौर पर एक्ट करता है। इन प्लांट्स एंड फंजाई सर्टन वैक्यूल जो होते हैं ये कैरी आउट करते हैं एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि एंजाइम्स के साथ मिलते हैं और सेल की ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होते हैं। और ये जो फंक्शन होता है इसका ये एनिमल सेल्स में भी मौजूद होता है। ठीक है, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, लिपिड लेयर है, मेम्ब्रेन है इसकी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है जो कि मिक्सचर है उसके साथ एंजाइम्स एंड हाइड्रोलाइसिस के साथ, उसके बाद ग्लाइको साइलेटेड मेम्ब्रेन है जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही है प्रोटीन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम आर रिच इन एसिड फॉस्फेट एंड मैनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यानी इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। कंटेंट्स ऑफ लाइजोसोम इज एसिडिक, और ये जो हमारे पास लाइजोसोम्स हैं इसके कंटेंट एसिडिक इन नेचर होते हैं। 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं एवरी मेजर मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल। दीज आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर प्रोसीड इन गॉल्जी अपरेटस। ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं लाइजोसोम्स, और इनको नेक्स्ट जाके गॉल्जी अपरेटस में अपने प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। द प्रोसीड एंजाइम्स आर बब ऑफ एज गॉल्जी वेसिकल, ये गॉल्जी वेसिकल्स में की तौर पर पैक्ड होते हैं विच आर कॉल्ड लाइजोसोम। इनको लाइजोसोम्स का नाम दिया जाता है या फिर इनको सेक्रेटरी वेसिकल्स भी कहा जाता है। जो हमारे पास न्यूली लाइजोसोम्स होते हैं वो विदाउट फंक्शनिंग होते हैं, उनको प्राइमरी लाइजोसोम्स का नाम दिया जाता है। वंस अ लाइजोसोम हैज़ फ्यूज्ड, जब कोई लाइजोसोम फ्यूज हो जाता है वेसिकल्स के साथ और उसमें एक डाइजेस्टिंग मटेरियल भी होता है, इसको हम सेकेंडरी वेसिकल लाइजोसोम्स का नाम देते हैं। उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं लाइजोसोम्स के। फोर मेन फंक्शंस होते हैं दैट आर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर। अब सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है इसको फेगोसाइटोसिस का नाम भी दिया जाता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइजोसोम बिकॉज दे कंटेन दोज एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट द फेगोसाइटोस्ड फूड। यानी हमारे पास कोई भी फॉरेजन पार्टिकल जब इंटर होता है सेल में तो उसमें क्या होता है, इमीडिएटली ये फेगोसाइटोस्ड कर देते हैं लाइजोसोम्स के साथ इंटू सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेज विच आर एब्जॉर्ब इन साइटोप्लाज्म, यानी उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। वाइल द रिमेनिंग वेस्ट इन द वेजिकल इज रेफर्ड एज कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, उसकी रेजिड्यूल बॉडी या कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के तौर पर एक्ट करता है। और ये जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं ये जाके उसकी बॉडी के साथ या उसके सेल जो है उसके आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके साथ फ्यूज कर देते हैं, और ये फिर उस बॉडी से सेल की बॉडी से वेस्ट के तौर पर रिमूव्ड आउट हो जाते हैं। इसे एक्सोसाइटोसिस का नाम दिया जाता है। और ये जो होल फिनोमेना होता है जिसमें ये सारा कुछ हो रहा होता है, डाइजेशन हो रही होती है और एक्सक्रीशन, इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन है दैट इज़ द सेल्फ ईटिंग ऑफ द सेल इज या फिर ऑटोफेगी इज अनदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइजोसोम इन विच सेल ईट इट्स ओन अनवांटेड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द नीड। यानी हमारे पास जो सेल होते हैं वो क्या होता है कि जब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, उसके अपने सेल ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर देता है और इन पार्ट्स को डाइजेशन के बाद ये रिसाइकलिंग करते हैं, और रिसाइकलिंग के बाद जो सेलुलर मटेरियल होते हैं ये रिसाइकलिंग उनमें टेक प्लेस होती है एंड द सेल कैन बी रीन्यूड, और सेल जो है ये दोबारा से रीन्यू हो जाते हैं। हमारे पास क्या होता है कि सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द पार्ट ऑफ द सेल आर इंगल्फ बाय प्राइमरी लाइजोसोम एंड डाइजेस्टेड टू जनरेट एनर्जी, और इनको एनर्जी जनरेट करने के लिए डाइजेस्ट कर दिया जाता है और सॉरी डाइजेशन से एनर्जी जनरेट होती है। इट अकर इन रूटीन टू कंट्रोल द नंबर ऑफ ऑर्गेनली इन द सेल,
सो द लाइसोसोम्स विच ईट पार्ट ऑफ इट्स ओन सेल आर नोन एज ऑटोफेगोसोम्स, इनको कहा जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन स्टार्ट एक्सरसाइज, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं इन हिज सेल, और वो इस वजह से इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये एनर्जी का प्रोडक्शन हाउस होता है, इस वजह से इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, और ये जब एक्सरसाइज लीव करते हैं तो उस नंबर को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रूटीन पे लाने के लिए क्या करते हैं, ऑटोफेगी स्टार्ट कर देते हैं, और सेल इनगल्फिंग के नतीजे में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसके नंबर को नीड के मुताबिक मेंटेन कर लिया जाता है। ए ह्यूमन लिवर सेल रिसाइकल हाफ ऑफ इट माइक्रोमॉलिक्यूल्स ईच वीक, और वो क्या करते हैं रिसाइकल करते रहते हैं इसके मैक्रोमॉलिक्यूल्स को, ताकि एक्सेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पास वो क्या करते हैं एक्सेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम, और जो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑटोलाइसिस, सेल डेथ और सेल सुसाइड, इज द सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल बाय रिलीजिंग द कंटेंट्स ऑफ लाइसोसोम विद इन द सेल। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि इन सच सर्कमस्टांसिस लाइसोसोम हैव बीन नेम्ड एज सुसाइडल बैग, इसको सुसाइडल बैग का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रही होती है सिस्टम की, यानी जो इनको नहीं चाहिए होता चीज़ें उनकी ये डाइजेशन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है इन इट प्रोग्राम सेल डेथ टेक प्लेस एज ड्यू टू ब्रस्टिंग ऑफ लाइसोसोम एंड रिलीजिंग इट कंटेंट्स इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर इसके कंटेंट्स को रिलीज किया जाता है और उसको जो चाहिए होता है उसको रख लेते हैं, बाकी सेल जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनको ख़त्म कर देते हैं। इन दिस वे सेल इज डिसइंटीग्रेट इन टू फ्रेगमेंट्स विच इज़ फेगोसाइटोस्ड बाई अदर नेबरिंग सेल, और इनको फेगोसाइटोस कर दिया जाता है नेबरिंग सेल से। उसके बाद एडवांटेजेस हैं इसके सम, ऑटोलाइसिस इस वजह से भी ज़रूरी है हमारे पास, ये नॉर्मल इवेंट है इन सम डिफरेंशियल प्रोसेस एंड मे अकर थ्रू आउट अ टिश्यू, और ये पूरे टिश्यूज़ में होता है। उसके अलावा हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल टैडपोल टेल होती है, वो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस प्रोड्यूस होती है, और जब ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इसको ऑटोलाइसिस के ज़रिए से ख़त्म कर दिया जाता है। ऑटोलाइसिस आल्सो अकर इन मसल्स विच आर नॉट एक्सरसाइज, और इन मसल्स में भी होती है जहाँ पे एक्सरसाइज नहीं हो रही होती। उसके अलावा लाइसोसोमल एंजाइम आल्सो हेल्प इन डीनेचुरेशन ऑफ द सेल, उसके अलावा ये सेल की डीनेचुरेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल है डेवलपमेंट ऑफ पैड लाइक हैंड इनटू द फिंगर एंड टेल डीजनरेटेड इन ह्यूमन, ठीक है, मैन में डीजेनरेशन करते हैं फिंगर्स की। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसको एक्सोसाइटोसिस का नाम भी देते हैं। सर्टन लाइसोसोमल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बाय रिलीजिंग एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और उन रिलीजिंग से हमारे पास क्या होता है डाइजेशन होती है सेलुलर आउटसाइड ऑफ द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस, और डाइजेशन के बाद ये हमारी एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से हमारी बॉडी से सेल की बॉडी से रिफ्यूज हो जाते हैं, रिमूव्ड आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज बाय बोन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि पहले कार्टिलेज होती है, उसमें क्या होता है हमारे पास के फॉर एग्जांपल बच्चों जब बनता है हमारे पास न्यू बॉर्न होते हैं बर्थ से पहले जब वो होते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे पास कार्टिलेज होते हैं। आफ्टर दैट जब वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं उनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है तो वो बोन्स में रिप्लेस हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में आपको शो किया गया है कि किस तरह से लाइसोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल को फ्रॉम इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म से, किस तरह से इनमें ये जो फंक्शनिंग हो रहे हैं लाइसोसोम्स के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिजीजेस ड्यू टू म्यूटेशन इन लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब हमारे पास सेवरल हेरिडिटी डिजीजेज होती हैं जो कि बर्थ के साथ ही होती हैं, टेक प्लेस ड्यू टू म्यूटेशन दैट अफेक्ट वन ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन कैटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। अब सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कैटाबॉलिज्म के दौरान हमारे पास एंजाइम जो होते हैं उनकी कैटाबॉलिज्म करते हैं, उससे हमारे पास डिजीजेस
जो होती हैं उनमें ही हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज डिजीजेज इन्वॉल्व इन द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन द सेल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम, कि एक एंजाइम है हमारे पास, उसकी एब्सेंस होती है, उस एब्सेंस की वजह से डिजीजेज काज होती हैं। अब इसको लाइसोसोमल स्टोरी डिजीजेज भी कहा जाता है। सच डिजीजेज आर फेटल इन एवरी अर्ली चाइल्डहुड, और ये हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड में ही होती हैं। इस तरह की 20 सच डिजीजेज होती हैं जो कि हमारे पास एंजाइम्स के एब्सेंट होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं या फिर बनती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 एक डिजीज़ है और एक तेज सच डिजीज़ है। अब जो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स ग्लाइकोसाइडेज है जो कि हमारे पास क्या होता है, दैट डिग्रेड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ये एब्सेंट होता है, और इसके एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है हमारे पास लिवर एंड मसल्स में लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाती है, जो कि हार्मफुल होती है। नेक्स्ट हमारे पास टेज सच डिजीज़ होती है, इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस आर इनएक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम होती है, और ये हमारे पास क्या करते हैं, कैटाबोलाइज करते हैं लिपिड को, लिपिड की कैटाबोलिज्म की वजह से हमारे पास ये हेक्सोसोम एक एंजाइम होता है हमारे पास, और ये जो एंजाइम होता है ये कैटाबॉलिज्म करता है लिपिड की, और ये एंजाइम एब्सेंट होता है जिसकी वजह से लिपिड की कैटाबॉलिज्म नहीं हो सकती, और लिपिड जो होता है ये ब्रेन में जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ की तरफ भी ले जाता है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक।